हम इंसान हैं, हमारे अंदर दिल है, भावनाएं हैं। जब कोई अपना इस दुनिया से रुखसत होता है, दिल भर आता है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मौत पर किसी का बश नहीं है, हर कोई अपने को बचाने के लिए पूरे कायनात से लड़ जाता है, किंतु उसे बचा नहीं पाता है। वह बचपन से हमारे घर में पली बड़ी, हर पल को उसने खुशियों के साथ जिया, औरों को भी उसने ढेर सारी खुशियां बांटी। वह इंसान न होकर भी इंसान से कम नहीं थी, कुत्ते के रूप में वह इस दुनिया में आई थी, नाम था उसका मूवी। इंसान की तरह उसका व्यवहार था, हर पल सबको खुशी देती रहती थी। उसकी शरारतें, उसका भोला मासूम चेहरा आंखों में घूमता रहता है। उसकी उछल कूद, गोल गोल आंखों का नचाना, प्यार से लिपट जाना, जैसे उसका इस घर से जन्म जन्मांतरों का संबंध रहा हो। इंसान का जन्म 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मिलता है। शायद इंसान की योनि मिलने के लिए ईश्वर से भूल हो गई थी, जो उसे इंसान का जन्म ना देकर कुत्ते की योनि में जन्म दिया था। घर के आंगन में चिड़ियों के झुंड एवं कबूतरों के झुंड दाना चुगते रहते थे, परंतु वह किसी पक्षी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी। हाँ, यदि कोई पक्षी उसके बर्तन से खाना खाने की कोशिश करता था तो वह उसे अवश्य दौड़ा देती थी। बीते 4 दिनों से उसने खाना पीना त्याग दिया था, जिसका इलाज उसका निरंतर चल रहा था, परंतु वह ठीक नहीं हो पा रही थी। 1.5 महीने पहले ही उसने 8 शिशुओं को जन्म दिया था। सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक ही क्या हुआ कोई समझ नहीं सका। उसकी ममता भी कठोर पड़ गई थी, उसके बच्चे अनाथ हो गए। ईश्वर ऐसा क्यों करते हैं, बच्चों को मां से महरूम कर देते हैं, इसमें उन नादान बच्चों का क्या दोष। मां का आंचल भी उनको नसीब नहीं हो पाया। मू भी मेरे पास 4 साल रही। इन 4 सालों में उसने हर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट दी, जीने का हौसला दिया। वह औरों के लिए सिर्फ कुत्ता थी, परंतु मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए वह जीवन से कम नहीं थी। उसके लिए आज हमारी आत्मा तड़प रही है, हमारा दिल रो रहा है।